वेरी गुड इवनिंग। अभी हम लोग पहुंचे थे, कौन सी लोकेशन है अभी? ये है मौरियाना टॉप। हाँ जी, तो अभी हम मौरियाना टॉप पर हैं और आपको पता है हम लोग देहरादून के लिए जा रहे हैं, यानी पूरी जो एक हफ्ते की जर्नी थी वो अब समाप्त होने को है। और हमने सोचा यहाँ से आगे हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि अब यहाँ से आगे बहुत कम समय बचा है और अंधेरा भी होने वाला है, तो हम लोग जितना भी व्यू बचता है वो अब इंजॉय करना चाहते हैं खुद अच्छे से, क्योंकि कैमरे के साथ क्या होता है ना, मतलब कैमरे को पकड़ के व्यू दिखाओ खुद उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते। तो मैंने इससे पहले बहुत सारी कोशिशें की है आप सभी को वो सब दिखाने की जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, वो सब आपको फील कराने के लिए। तो इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम लोग थोड़ा कुछ बोलना चाहते हैं ये इस जर्नी के बारे में, हम लोगों ने क्या फील किया, कैसा हमारा जो है दी, आप कुछ बताओ क्या क्या हमने मजे किए। मतलब सबसे पहले तो उत्तरकाशी में मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर आइए, आप विजिट ज़रूर करिए, और यहाँ पर ये गढ़वाली जो संस्कृति है ये देखने को आपको मिलेगी। कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जो आज भी आध्यात्मिक है, जैसे कि बहुत सारे मंदिर हैं जो आज भी, मतलब वो बहुत पौराणिक मंदिर हैं, गंगोत्री का जैसे कि आपने नाम सुना ही है, गंगोत्री आप आए भी होंगे और कुछ लोग नहीं आए होंगे, तो आप जरूर आइए और जरूर विजिट करिएगा। पर हमारे यहाँ पर एक एडवेंचर कोर्स भी करवाया जाता है, जैसे कि एनआईएम में एडवेंचर कोर्स कराया जाता है, और आप यहाँ पर कभी भी विजिट कर सकते हैं। और बाकी का तो यहाँ पर बहुत सारी जगह है, जैसे कि दयारा बुग्याल ट्रैकिंग स्पॉट तो मैंने बताई दिया, और भी बहुत सारी है, नचिकेता ताल और डोडी ताल है, जहाँ अभी सुमन जी भी नहीं जा पाई हैं, और ये काफी जगह इन्होंने मिस कर दिया है कम टाइम होने की वजह से, और एकदम शॉर्ट टाइम था मेरे पास, शॉर्ट टाइम की नहीं कवर कर पाई मैं पूरा, लेकिन जितना मैं शायद एक हफ्ते रुकी होगी तो एक हफ्ते में मैं जितना मतलब कवर कर पाई मैंने कोशिश की, क्योंकि उत्तरकाशी से ना मेरा एक अलग सा लगाव है, मतलब क्योंकि मैं यहाँ पे, मैंने बोला इससे पहले भी दो तीन ब्लॉग में आप सभी से मैंने शेयर किया कि यार मैं यहाँ पे 2017 या 2018 में आई थी, और जो मैं उस टाइम यहाँ के बारे में फील करती थी बिल्कुल वही फीलिंग आज भी है। और तब हाँ ये था कि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं होता था, मैं जल्दी से चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं करती थी, लेकिन अब मतलब होता नहीं है, एक एज का फ़र्क भी होता है। 2017 में आई थी, अब 2022 है, इस बार ना मैंने चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देखा, और मुझे ना उत्तरकाशी कुछ वैसा लगने लगा जैसे कि मुझे ऋषिकेश लगता है। ऋषिकेश ऐसा प्लेस है, जब भी मेरा मन, मतलब ऋषिकेश मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर कुछ भी चल रहा है ना लाइफ में, अप डाउन कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ चले जाओ, अच्छा लगता है। जैसे कि ऐसा ही मेरा एक और प्लेस है जो मेरा हनोल प्लेस है, जहाँ पे मासूम महाराज जी रहते हैं। ये दो प्लेस मतलब उत्तराखंड में मेरे ऐसे हैं, हनोल और ऋषिकेश, जहाँ पे मैं अक्सर जाती हूँ, मुझे जब भी मतलब कुछ अच्छा बुरा लगता है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। एंड तीसरे नंबर पर मुझे लग रहा है वो उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में भी पता है आपको बहुत सारे मंदिर हैं, और स्पेशली वो गंगा घाट है, वहाँ पर जाके बैठ जाओ यार, इतना अच्छा लगता है, मतलब वो सुकून ना बहुत अलग। ये सब ना मतलब आपको भीड़ में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पहाड़ में मिलेगा। और मैं आपको ये बोलूंगी यार, उत्तराखंड बहुत अच्छा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा घूमो उत्तराखंड को। आप लोग बाहर ऐसे ही, मतलब मुझे नहीं लगता कि बाहर कुछ है ऐसा, बस वही है भीड़ है, आपको आवाजें चारों साइड से आ रही। यहाँ आप देख रहे होंगे कितना शांत सुकून है, अभी देखो कितना शांत है। सिर्फ हम लोग जब से यहाँ बातें कर रहे हैं तब से सिर्फ एक ही गाड़ी गई है, और वो भी बेचारे आराम से निकाल दिए उन्होंने और मतलब इतना शांत है एकदम, आप अपने आप को महसूस कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आप अपने आप को थोड़ा सा खो रहे हो या कुछ अलग चल रही है ज़िंदगी, तो यार मतलब बैग उठाओ और पहाड़ में आ जाओ, मेरा तो यही कहना है और मैं यही करती हूँ। और ये पहला ट्रिप था ऐसा मेरा जब मैंने सोचा था कि मैं अकेले जाऊँगी, लेकिन ना अचानक से ना दी का कॉल आ गया मुझे उस दिन। मैंने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया कि अब बस अकेले भाग जाना है मैंने, मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे, सबको बोलती हूँ कि यार चलो चलो प्लानिंग करो, लेकिन सब ना अपने काम में फंसे पड़े रहते हैं, ठीक है। और मैं निकलने वाली थी, दी का कॉल आ गया यार मैं उत्तरकाशी जा रही हूँ, मैं उत्तरकाशी मुझे भी जाना है, एंड मैं भी आ गई। एक सेकेंड, ओके फिर से शुरू करते हैं। तो मुझे पता चला उत्तरकाशी जा रहे हैं, मैं तो बस बैग उठा के आ गई नोएडा से, और यार मतलब आते हुए मैं इतना खुश थी। अभी मैं ये पहाड़ छोड़ के वापस जा रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन हाँ मुझे आगे नई ट्रिप शुरू करनी है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट ट्रिप मेरी कहाँ की रहेगी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। आपको क्या करना है उसके लिए मेरे ब्लॉग में जुड़े रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, सपोर्ट करो, जिससे मुझे मतलब थोड़ा सा ये लगे कि हाँ मतलब मुझे ऑडियंस देख रही है और मुझे प्यार कर रही है, मुझे नई चीज़ें दिखानी चाहिए। और ये सब तो मतलब मेरा खुद का सुकून है पहाड़ में आना, जहाँ पे मैं अक्सर आती रहूँगी, ये तो आपको हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को और कुछ मुझसे मतलब उम्मीदें हैं या मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आप वहाँ पे दिखाइए, आप यहाँ पे जाइए, कुछ भी, मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूँगी। एंड फिलहाल हम लोग इस ब्लॉग से, यानी इस जर्नी से आप सभी से अलविदा लेते हैं, क्यों दी? बिल्कुल जल्दी नए ब्लॉग में मिलते हैं। चलो इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं यार, बातें बहुत सारी करने को है। चलो बाय। ओके बाय।